नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अम्बेडकर नगर जिले की पुलिस ने एक जहर खुरानी गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरोह जिले में बाहर से कमा कर वापस लौटने वाले लोगों को अपना निशाना बनाकर लूट की घटना को अंजाम देता था। इस गिरोह के लोग अधिकतर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर और उसके बाहर 4-पहिया वाहन के साथ मौजूद रहते थे। रात में जब बाहर से लोग सामान के साथ आते थे और उन्हें सवारी की समस्या होती थी तो ये लोग उनसे पूछते थे कि कहाँ जाना है। जहाँ वे लोग बताते थे उसी तरफ खुद ही जाने का बात कर उन्हें लिप देते थे। रास्ते में ये लोग बाहर से यात्री को किसी न किसी बहाने से नशीली गोली खिलाकर उसे बेहोश कर देते थे। उसके पास रखा पैसा, मोबाइल व अन्य सामान लूट कर फरार हो जाते थे। बीते दिनों बाहर से आए 2 लोगों को अपना निशाना बनाकर लूटपाट घटना को अंजाम दिया था, जिसका बाद पुलिस लगातार इनकी गिरफ्तारी के लिए लगी हुई थी। आज पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। 2 घटनाएं हमारे सामने अभी पिछले 1 हफ्ते में संज्ञान में आई, जिसमें एक शाहिद नाम का व्यक्ति था। उसने सबसे पहले रिपोर्ट किया कि ऐसे ऐसे हमारा हम गए और हमारा हम बाद में हमें दूसरे थाना क्षेत्र में हम मिले। फिर एक दूसरा घटना रिपोर्ट हुई, फिर इस पर हमने अपनी टीम को लगाया। थाना अलीगंज के रहने वाले 2 लोग थे, तो अलीगंज के SO और उनकी टीम थी 6 लोगों की। वो टीम और हमारी स्वाट टीम में संजय सिंह और अन्य कर्मचारी अधिकारी गण थे। इस टीम को लगाया और उनके नंबर्स के माध्यम से और जो नंबर लोकली CCTV के थ्रू नंबर गाड़ी के क्लियर हुए, गाड़ी के नंबरों से मोबाइल नंबर क्लियर हुए, उस बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से हमने इन लोगों को ट्रेस किया और इनकी गिरफ्तारी की है, जिसमें से 4 अभियुक्त मिले हैं। 4 अभियुक्त में अंकित निषाद है, राम विनय है, अनीश है, दिलीप निषाद है। ये सब के सब आजमगढ़ जनपद के रहने वाले हैं। इनसे एक अदद अल्टो गाड़ी, 2 पिट्ठू बैग है, एक काले रंग का, एक लाल रंग का, जो कि उन्हीं वादी गणों का है जिनके खिलाफ एक अपराध हुआ है। चोरी के 2 मोबाइल मिले हैं और लार्जा पाम की गोलियां मिली हैं। ये अनावरण होने के पश्चात अब इस प्रकार की घटनाएं कम से कम अम्बेडकर नगर जनपद में तो नहीं संभव हो पाएंगी, क्योंकि ये विशेषज्ञ गैंग होता है। ये हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, इसको काम करने वाले कुछ गैंग्स होते हैं, उनमें से ये गैंग एक रिवील हो गया है और पकड़ा गया है। ये टीम को मैंने 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है इस अच्छे काम के लिए, क्योंकि ये अन्य किसी व्यक्ति के साथ होता उससे पहले ये गैंग हमने वर्कआउट कर दिया।